नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बार हमने देखा है कि जो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो 90 डिग्री में नहीं होके और किसी एंगल पे अलाइन होता है हमारे हाईवे के, जिसे कि स्क्यू स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों को उसके रेनफोर्समेंट या उसका BBS बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्क्यू स्ट्रक्चर के BBS में जो वेरी वाला रेनफोर्समेंट होता है उसको कैसे निकाला जाता है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर जो हम केस ले रहे हैं वो 24 डिग्री पर अलाइंड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो 24 डिग्री पर अलाइंड है, हॉरिजॉन्टल से 24 डिग्री ये घुमा हुआ स्ट्रक्चर। तो हमको इसका जो है अब BBS बनाना है। तो BBS में मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ आपको स्क्यू वाले स्ट्रक्चर में आपको वेरी वाला रेनफोर्समेंट निकालना रहता है किसी केस में। कभी कभी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमें वेरिंग वाले रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उसका डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि आपको उसमें वेरी वाला रेनफोर्समेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि आपको वेरी में BBS बनाना पड़ता है, जैसे कि हमको यहाँ पे इस ड्रॉइंग में दिया है स्टील में, कि यहाँ पे सारा जो हमको मेन बार जो है वो 90 डिग्री में बनाया गया है, और जितना भी हमारा बाद में उसके बाद में जो मेन बार के बाद में वेरी वाला पोर्शन आता है उसका जो रेनफोर्समेंट है वो कम होते जाता है, क्योंकि ये जो हमारी राफ्ट की एज है ऐसे चलती जाती है और इस एज के अलोंग जो है ये कम होते जाता है। तो ये वाला जो रेनफोर्समेंट है उसको निकालने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, और मेरे पास में कुछ क्वेरीज भी आई थी जिनमें कहा गया था कि इसकी वाले स्ट्रक्चर का BBS जो है वो समझाइए। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें बताऊँगा, उसके ज़रिए आप लोगों को इजी हो जाएगा कि वेरी वाला रेनफोर्समेंट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, उसी पे फोकस करेंगे, उसके अलावा कुछ भी फालतू नहीं देखेंगे BBS में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि वीडियो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि लेंदी वीडियो कोई नहीं देखता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इतनी क्या जल्दी है, आराम से बना लो वीडियो। लेकिन ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि वेरी वाला रेनफोर्समेंट कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ बार मार्क्स जो है वो देख लेते हैं यहाँ पे, कि कौन कौन से बार मार्क्स की हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको एक 1B देख लेना है। 1B कैसे होगा? 1B वाला बार हम लोग देखेंगे, और इसके अलावा तो और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ होगा एडिशन तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1B वाला रेनफोर्समेंट ढूंढते हैं कि 1B वाला रेनफोर्समेंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा बॉटम स्लैब का प्लान है, या यहाँ कहे कि राफ्ट का प्लान है, और इसको हम लोग देखते हैं। तो 1B जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। 1B ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से डैश 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 लाइन दिखाई गई है, मीन्स यहाँ पे बॉटम में रेनफोर्समेंट लगा हुआ है 1B का। हम यहाँ पे इसके सेक्शन में देखें तो हमको कुछ रफ आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा हमारा बार है, क्योंकि जो 1 नंबर बार है वही हमारा 1B, और जो हमारा ड्राइंग में दिया गया है 1A वो ही बार वो है। तो इसमें हम लोगों को 1B वाला रेनफोर्समेंट कहाँ से कहाँ तक दिया गया है वो देखना है सबसे पहले। तो ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे मीन्स देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि जैसे कि मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये तो पूरा हमारा फुल लेंथ में जो भी हमारा 1 नंबर बार है वो आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो ये बचती है स्पेस, इसमें हम लोगों को वेरी लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा वेरी जो है रेनफोर्समेंट वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मीन्स 1B जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और ख़त्म कहाँ पे होगा? ख़त्म हमारा यहाँ लास्ट में, एंड पे हम लोगों को ख़त्म करना है इसको। तो यहाँ पे बिल्कुल एंड में तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसको पास में 200 की स्पेसिंग पे भी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमको ऐसी जगह ख़त्म करना पड़ेगा कि उसकी जो लेंथ है बीच वाली वो बिल्कुल एकदम अच्छे से परफेक्ट वहाँ पे बैठ जाए, क्योंकि छोटी लेंथ नहीं बैठती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं आपको जो मैं करता हूँ उस हिसाब से मैं आपको वेरी वाला रेनफोर्समेंट जो है उस हिसाब से मैं आपको निकाल के और बताऊँगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को देख लेना है कि ये कितनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी लेंथ चाहिए होगी, तो लेंथ हम लोग देखते हैं कि लेंथ कितनी है इसकी। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसकी प्रोपोज्ड विड्थ जो है वो 12 मीटर 590 डिग्री में, और यहाँ पे इसकी लंबाई जो है स्क्यू स्ट्रक्चर में अगर हम लोग डिवाइडेड बाय कॉस 24 इसमें करें इस लेंथ से, तो
13 मीटर 683 या कहें कि 13.683 मीटर यहाँ पे इसकी लेंथ बनती है। तो छोटे वाले की लेंथ क्या बनेगी, जो हमारा वेरी पोर्शन है उसकी लेंथ क्या बनेगी, वो थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक ड्रॉ करना पड़ेगा रेक्टेंगल। तो हम लोग यहाँ पे एक स्क्यू वाला स्ट्रक्चर का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा जो है रेक्टेंगल टेक होगा, यूँ कहें कि ये ब्रिज हमारा जो इस तरीके से होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे अब जिस लेंथ में हमारा वेरी रेन्फोर्समेंट लगाना है वो लेंथ कितनी है, ताकि हम लोग स्पेसिंग निकाल के उसके नंबर ऑफ बार्स निकाल सकें कि वो कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ करूँ, जो इस वाली नीचे वाली लाइन पे मीट हो, तो वो यहाँ पे मैच हो जाएगा। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, ये हमारी पूरी लेंथ हम लोगों को पता है कि 13.683 है, 13.683। और हमारी जो विड्थ है, विड्थ भी देख लेते हैं, विड्थ कितनी है यहाँ पे, और उसकी जो हमारी स्ट्रक्चर की विड्थ है वो है 666.9 और प्लस 450 की हमारी ये वाल हो गई और 450 की हमारी ये वाल हो गई। तो टोटल मिला के कितना हो रहा है, इसको सम अप कर लेते हैं एक बार। 666.9 प्लस 0.9, सॉरी, प्लस 900, तो 7.569 हमारी यहाँ पे विड्थ हो गई। इसमें से हम लोग 75 mm कवर माइनस कर लेते हैं दोनों तरफ से, तो 7.419 यहाँ पे इसकी लेंथ बनेगी, सॉरी इसकी विड्थ बनेगी। कितनी बनेगी, 7.419, ये यहाँ पे 7.419 हमारी ये वाली हाइट बन रही है यहाँ से लेके और यहाँ तक की हाइट। तो अब हम लोगों को ये वाली हाइट चाहिए, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे कि 7 पॉइंट, ये हमारा देखिए ये 24 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ये 24 डिग्री का हमारा एंगल है। तो 24 डिग्री का एंगल है हमारे पास में, बेस दिया गया है, तो हमारे पास में परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाय बेस का फॉर्मूला लगाने के बाद में, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा लिख लेते हैं, टेन, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है इसलिए आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ये इस तरीके से कुछ बनेगा। तो हम लोग को परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बी इंटू 10 24 करना पड़ेगा। तो बी हमारा बेस हम लोगों को पता है 7 मीटर 419 हमारा ये है, इनटू मैं क्या करूंगा 10 24 कर दूंगा। तो ये मेरा 10, सॉरी मुझे सबसे पहले चाहिए 24 10 इनटू 7 419। तो कुछ ये हमारी लेंथ कितनी, 3 3 0 3, ये हमारी यहाँ पे ये वाली लेंथ आई। और ये हमारी 13 मीटर 683 नहीं कह के उसको हम लोग 75 mm कवर भी माइनस कर लेंगे उसमें से, तो 12 मीटर 500 माइनस 150 करने के बाद में 12 मीटर 350 आता है। इसको मैं 24 ऑफ कोर्स से डिवाइड करता हूँ, तो 13.518 टोटल आता है। तो 13.518 में से हम लोग 3303 माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो वैसे हम लोग क्योंकि ये वाली लेंथ यहाँ पे निकालना नहीं चाहते हैं, हम लोग बस वेरी वाला जो है पोर्शन जो है हम मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेरी वाले रेनफोर्समेंट को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में 3303 यहाँ पे आ गया है। तो अब मैं जो आपको बता रहा था कि मैं कहाँ तक वेरी लेता हूँ, मैं यहाँ से लेके, यहाँ से 1 मीटर छोड़ के वहां तक मैं आपका वेरी पोर्शन लेता हूँ। क्योंकि 1 मीटर मीन्स जहां पे अब मेरा 1 मीटर आ जाए, ये वाला रेनफोर्स मेरा जहां पे 1 मीटर आ जाए वहां तक मैं लेता हूँ। तो 1 मीटर लाने के लिए यहाँ पे कितनी गैप बचेगी, उतनी मैं 3303 में से 3 में से माइनस कर देता हूँ। तो मेरी जो बची हुई जो लेंथ आएगी उसमें मैं मुझे वेरी वाला रेनफोर्समेंट लगाना रहेगा। तो मैं 1 मीटर की गैप निकाल लेता हूँ कि कितनी आएगी। तो 24 ऑफ 10
1000 तो 445 mm यहाँ पे ये गिर पाएगी, तो 445 mm में 3303 में से घटा देता हूँ तो 2858 करके कुछ लेंथ यहाँ पे है, उसमें मुझे वेरी वाला रेनफोर्समेंट लगाना है। तो 2858 यहाँ पे मैंने लिख दिया 2858। अब क्योंकि ये वाला रेनफोर्समेंट जो है वो लगा हुआ रहेगा पहले से, क्योंकि ये तो फुल लेंथ वाला हो गया, तो ये फुल लेंथ वाले के साथ में जो मीन्स फुल लेंथ मीन्स जो फुल विड्थ ऑफ स्ट्रक्चर में लगने वाला है वो वाला रेनफोर्समेंट हो गया है, तो यहाँ पे इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, उससे आगे वाला काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैं अगर वेरी वाला रेनफोर्समेंट बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से लगेंगे, इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगेंगे और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कि 200 की स्पेसिंग, जैसा कि हमारा यहाँ पे BBS में दिया गया है कि 200 की स्पेसिंग है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 200 की स्पेसिंग है, क्योंकि हम लोगों ने बायोमार्क 1 भी देख लिया, उसके बाद में कुछ भी डिटेल डिस्कस नहीं किए यहाँ पे इसकी। तो यहाँ पे जो हमारा 1 वाला रेनफोर्समेंट है वो 16 डाया का है और 200 की स्पेसिंग है, तो 200 की स्पेसिंग पे हम लोगों को लगाना है। तो अब ये 200 की स्पेसिंग पे हम लोग जाएंगे तो हमारा रेनफोर्समेंट कितना कम हो जाएगा वो हम लोगों को निकालना है। तो हमारी 200 की स्पेसिंग में हाइट कितनी कम हो जाएगी वो हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका, हम लोग अलग से सेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से होगा। अब मान लीजिए कि ये 200 है और ये यहाँ पे हम लोग को ये लेंथ निकालनी है, हमारे पास में ये दिया गया है कि 24 डिग्री है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये 200 है तो ये हाइट हम लोग को निकालनी है, तो ये यहाँ पे 24 डिग्री का एंगल दिया गया है हमारे पास में, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इस बार हम लोग को दिया गया है और 10 24 की वैल्यू दी गई है, बेस को हम लोग इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा, तो हम लोगों को परपेंडिकुलर बाय 10 24 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 24 ऑफ 10 मैं करूंगा, तो यहाँ पे ये 445 नहीं 449 करके मेरी यहाँ पे हाइट आएगी, ये वाली हाइट आएगी मेरी 449 करके। तो 449 अब मेरी एक हाइट तो निकल गई कि कितनी वेरी हो रही, तो मुझे कितनी हाइट चाहिए वो मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 2858 में कितने पीस आने वाले हैं वो निकाल लेते हैं। तो 2858 में मैं 200 माइनस कर लेता हूँ, कौन से वाले, ये वाले, क्योंकि ये वाला रिइंफोर्समेंट यहाँ पे है नहीं, हम लोगों को यहाँ तक लगाना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक लगाना है। तो इसमें कितने लगेंगे 200 की स्पेसिंग में, 13.29 प्लस 1 14, तो यहाँ पे 14 बार्स लगेंगे। तो 14 बार्स में, 14 बार्स में कितनी हाइट वेरी होगी वो हम लोगों को निकालना है। तो 14 हाइट में 13 हाइट्स वेरी होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंट करके, यहाँ से आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो 13 हाइट्स पे आप लोगों को जो है वो आपका लास्ट वाला रेनफोर्समेंट मिलेगा। तो 13 हाइट्स में मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि 13 × 449 अगर मैं करूँ तो 5 मीटर 837, तो ये मेरा 7 मीटर 419 है, तो 7 419 में से मैं माइनस करूँ तो 1582 करके मेरी एक लेंथ आएगी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, ओके। तो यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि मैंने यहाँ से इसको काउंट कर लिया, मुझे यहाँ से हाइट माइनस करनी चाहिए थी, तो एक्चुअली ये 14 हाइट्स यहाँ से 13 हाइट्स होगी, 7 मीटर 419 में से मुझे 7 419 में से पहला वाला रेनफोर्समेंट कितना आएगा 449, तो 6 मीटर 970 में से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, फिर से निकालना पड़ेगा, ये क्या गड़बड़ होगी, 13 × 449, 5 मीटर 837 में से मैं 7 419 और इसमें से, तो 1133 mm की मेरी लास्ट वाली हाइट आएगी, तो 1133 mm का मेरा रेनफोर्समेंट हो गया। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी हाइट है वो 1133 से लेके और 7 मीटर 419 माइनस
6 मीटर 970, तो 6 मीटर 970 ये इतनी मेरी हाइट होगी। और इसमें रेनफोर्समेंट कितने, मेरे नंबर ऑफ बार्स कितने आ रहे हैं, 14 नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं इसमें। तो अब यहाँ पे आप लोग 14 नंबर ऑफ बार्स, 13 हाइट्स में वेरी किया मैंने, और 14 नंबर ऑफ बार्स मेरे निकल के यहाँ पे आए, और मैंने वेरी वाली लेंथ भी निकाल ली कि मेरी कितनी आई, 1133 मेरी यहाँ पे, इससे वेरी चालू किया और 6 मीटर 970 पे ख़त्म किया, जो ये वाला बार है उस पर ख़त्म किया। तो ओवरऑल आइडिया क्या था यहाँ पे आप लोगों को, कि आपकी हाइट कितनी कम होनी है पर 200 स्पेसिंग पे, आपकी हाइट कितनी कम होनी है वो हम लोगों को निकालना था, और हमारा वेरी वाला खेम पूरा जो है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे खेल जो है वो एंगल का ही था और हमारी वर्टिकल हाइट का ही था। तो अगर हम लोगों को वर्टिकल हाइट निकालना आ गई तो हम लोगों को वेरी वाला रेनफोर्समेंट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से वापस से रिवर्स करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की है आपको। तो इजी था बिल्कुल, बस आपको 200 की स्पेसिंग में आपको हाइट कितनी हो रही है वो निकालना है, और बाकी काम जो है आपका अपने आप हो जाएगा। तो वेरी वाले रेनफोर्समेंट में इतना ही था। तो आप चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ तक तो आप आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 200 पे कौन सा बार आ रहा है, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 200 पे, वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हाइट जो है हमारी कितनी आ रही है, 449 आ रही है। तो आप वहाँ पे 449 तक भी वेरी निकाल सकते हैं। तो उस केस में आपको 449 पे 200 mm यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ये यहाँ पे 200 mm आपको कम लेना पड़ेगा, जो हमारी 3303 की लेंथ थी उसमें से 200 mm आपको कम लेना पड़ेगा, और आपका रेनफोर्समेंट वहाँ पे 449 तक निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ बार्स कितने हो रहे हैं वो एग्जैक्टली 449 में आएगा, 200 mm से कम करने पे वो कुछ अलग आएगा। वो भी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे मैंने किया, एक बार और समझा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे 200 कम किया 3303 से, तो 3303 माइनस 200 यहाँ पे कम किया मतलब, तो 3103 आता है। इसको मैं डिवाइडेड बाय 200 करता हूँ तो कितना आता है, 15.51। तो मैं इसको 16 16.5 मेरा प्लस 1 करने पे आ रहा है, तो मैं तो 17 ले लेता हूँ। तो 17 यहाँ पे 17 नहीं एक्चुअली कम ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 17 में फिर वो क्या आएगी, 449 से कम हो जाएगा ये वाला रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 16 लेते हैं, तो 16 बार्स में मेरा यहाँ पे 15 हाइट वेरी होगा। तो 15 हाइट में कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, 15 हाइट में 449 करेंगे तो 6 मीटर 735 आता है। तो अब मैं यहाँ पे 7 मीटर 419 से इसको माइनस करता हूँ, तो 684 मेरा लास्ट वाला जो एनफोर्समेंट है उसकी हाइट जो है 684 आएगी, और वो यहाँ से 200 पे नहीं, यहाँ पे कितने पे रहेगा वो अपने आप निकल जाएगा। आप लोग यहाँ से लगाते जाएंगे तो अपने आप निकल जाएगा, या फिर आप जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं कि 684 की अगर हाइट हुई तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको लास्ट वाला एनफोर्समेंट की हाइट निकालनी थी जो 684 आ गई है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो वेरी वाला एनफोर्समेंट लगाना निकालना ईजी है, और उसका ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसकी स्ट्रक्चर है तो आप ये सोच के चलेंगे कि यार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको एक लॉजिक आना चाहिए, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि सारा जो खेल है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोगों को आ गई तो आप लोग समझिए कि उस्ताद बन गए BBS बनाने में, हर एक जगह ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होगा, और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है BBS में। कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ या कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको किसी भी चीज़ को करने में, या किसी भी चीज का BBS बनाने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, और देखते रहिए सिविल ज्ञान।